इसी के साथ रुख करते हैं मुख्य खबरों की तरफ और इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, पाए गए न्यूरोसर्जन की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। न्यूरोसर्जन का ओटी भी बंद कर दिया गया। कुछ दिन पहले जांच कराते वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो वायरल करने पर नर्स का ट्रांसफर भी हो गया था। तो लोहिया संस्थान के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, न्यूरोसर्जन की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। न्यूरोसर्जरी का ओटी अब बंद हो चुका है। डॉक्टर कुछ ही दिन पहले जांच करवा रहे थे और उसका वीडियो वायरल हो गया था। वीडियो वायरल करने पर नर्स का ट्रांसफर हुआ था। डॉक्टर ने करीब डेढ़ महीने से कोरोना के लक्षण थे, लापरवाही के चलते डॉक्टर कर्मचारी को खतरा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोहिया अस्पताल के न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट के डॉक्टर में कोरोना संक्रमण पाया गया। करीब एक महीने से लक्षण थे, उसके बाद जांच हुई। अब डॉक्टरों और अन्य कर्मचारियों पर भी खतरा मंडराने लगा है। नीरज हमारे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। नीरज, लोहिया संस्थान के डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, अपडेट लेना चाहेंगे आपसे। जी ना जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि न्यूरो सर्जरी विभाग के ये डॉक्टर हैं। कुछ दिन पहले इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जहां इन्होंने खुलेआम स्टाफ नर्सों के सामने खुद का सैंपल टेस्ट किया था, जिस पर काफी बवाल हुआ था। ये काफी दिन से कोरोना के सिम्टम इनके अंदर थे और ये खुलेआम लोहिया अस्पताल में बराबर घूमते रहे हैं। अभी इनका कल कोविड टेस्ट हुआ जिसमें ये पॉजिटिव पाए गए, तब से लेकर पूरे अस्पताल परिसर में एक हड़कंप मचा हुआ है। बाकी स्टाफ के लिए खतरा बने डॉक्टर का जांच करते जो वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद जिस नर्स ने विद्रोह किया था शशि सिंह, उसका इन्होंने ट्रांसफर करा दिया था। अब इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद चार दर्जन डॉक्टर सब क्वारंटाइन कर दिए गए हैं। ये करीब डेढ़ माह से कोरोना के लक्षण लेकर ये पूरे परिसर में टहल रहे थे। संक्रमित डॉक्टर और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही के चलते बाकी डॉक्टर्स और कर्मचारियों की जान सांसद में बनी हुई है। जी नीरज भाई, दूसरी तरफ बड़ी बात यह है कि जब डॉक्टर एक महीने से लक्षण महसूस कर रहे थे तो जांच में इतनी देरी क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा देरी हम जांच में करवाते हैं उतना ज्यादा वो अपने आसपास के लोगों को खतरे में डालते हैं, और ये लापरवाही डॉक्टरों से कम उम्मीद नहीं होती है इतनी बड़ी लापरवाही की। इसी कारण से पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये एक महीने से लगातार अपने अपने संक्रमण को छिपाए हुए थे और पूरे परिसर में इन्होंने संक्रमण फैलने की आशंका है। मेडिकल टीम पहुंच चुकी है और सभी के कोविड टेस्ट किए जा रहे हैं। जी ना, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया आपका।